ओम शांति आज की तारीख है चौदह पाँच तेईस और आज हम सुनेंगे किसकी मुरली प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली पाँच बारह चौरानवे और आज मदर्स डे है तो जितनी भी मदर्स हैं उन सभी मदर्स को मेरा वंदन अच्छा मुरली सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि वर्तमान समय की आवश्यकता क्या है तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए बच्चों को देख रहे हैं और कहते हैं कि ये ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता कि आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है प्राप्ति सभी बच्चों को है लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और फिर आगे की स्टेज है अनुभव में खो जाना पहली बात प्राप्ति के नशे में सभी कहते हो क्या कहते हैं हम बच्चे कि हमें बाप का प्यार मिला यानी स्वयं प्रभु पिता का हमें प्यार मिला बाप मिला अर्थात प्यार मिला सभी के मुख से सभी के मुख से यही निकलता है मेरा बाबा तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है लेकिन अनुभूति में सभी खोए रहे इसमें सभी नंबरवार है जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई भी हटा नहीं सकता परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर कोई का भी समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर देख भी नहीं सकता ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है बैठते योग में हैं, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चल रहा है मैं बाप का हूँ ये स्मृति बार बार लानी पड़ती है अच्छा तो ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा याद प्यार देते हुए बोले कि चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों में समाई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाली समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बन समर्थ बनाने की निमित आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अब हम सुनेंगे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा से मिले हुए वरदान को वरदान है दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का संग का व मन मत का प्रभाव न रहे या न पड़े तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है इसलिए कहा जाता है कि कर्मों की लीला अति गुह्य और गहन है दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं लेकिन आप कर्मों की गति को जानने के कारण यानी ज्ञाता होने के कारण बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते फिर आप लोग तो कर्म नहीं कूटते कि हमारा तो है ही ऐसा भाग्य ऐसा हमारा पार्ट ऐसा इसको कहते हैं कर्म कूटना आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म स्लोगन है पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है अच्छा ओम शांति